सोचती हूँ उड़ जाऊं गगन में बादलों के पार, सोचती हूँ सागर की गहराई में तैरूं आर पार, सोचती हूँ मीलों लंबी सड़क पर घूम आऊं, ताजी हवा को सीने में भर लूं, हथेली पे चांद उगाऊं। बस यही सपना है मेरी ताकत, यही जज्बा है मेरी हिम्मत। स्त्री शक्ति के इस एपिसोड में मैं श्रुति उल्फत आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। स्त्री का साहस, स्त्री की ताकत, स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति को सलाम करती एक विकलांग और अपंग व्यक्ति के लिए जीवन उतना आसान नहीं होता जितना साधारण लोगों के लिए होता है। घर में शौच हो या सड़क पर ट्रैफिक के बीच चलना हो, सीढ़ियां चढ़नी हो या पार्क में टहलना हो, हर जगह विकलांग व्यक्ति का जीवन एक संघर्ष है जिसे कम ही साधारण लोग समझ पाते हैं। नसीमा हुरजूक पिछले 50 सालों से जीवन का यह संघर्ष कर रही है और कामयाबी के साथ अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है। कोल्हापुर की नसीमा हुरजूक ने, जिन्हें लोग प्यार से नसीमा दीदी कहते हैं, शारीरिक विकलांगता की अपनी कमजोरी को ही अपनी जिंदगी की ताकत बना ली। नसीमा दीदी ने अपने जैसे असंख्य विकलांग लोगों की जिंदगी आसान करने का सपना देखा ताकि वे अपने शारीरिक, बौद्धिक और व्यवहारिक क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल करके अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सके। नतीजे के तौर पर 1983 में हेल्पर्स ऑफ द हैंडीकैप्ड नाम की संस्था बनाई। तो स्वागत कीजिए बुलंद हिम्मत और जीवन के जोश से भरपूर नसीमा हुरजूक जी का। नसीमा जी, वैसे आपको दीदी भी सब लोग कहते हैं तो मैं आपको दीदी कह के जी, हाँ, मैं तो जगत दीदी हूँ। ठीक है, तो नसीमा दीदी आपका स्त्री शक्ति के मंच पर स्वागत है। नमस्ते। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है हमने, लेकिन आपकी संस्था हेल्पर्स ऑफ द हैंडीकैप कोल्हापुर, इस संस्था को खड़े करने वाली आप, उनके बारे में हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। आपका बचपन, आपकी पैदाइशी, आपका परिवार। क्या है, मैं 16 साल तक बिल्कुल नॉर्मल थी जी, पढ़ाई, खेल कूद, डांस। और हमारे फैमिली में हम 6 बहनें और 2 भाई, बड़ी फैमिली थी, और माँ और बाबा। तो 7th स्टैंडर्ड में मैं थी तब एक डांस कंपटीशन थी हमारे स्कूल में और राधा का पार्ट मैं कर रही थी। मतलब आपने राधा कृष्ण का नृत्य किया? जी जी हाँ। तो उस जमाने में आपको मतलब अलाउड था करना? नहीं, घर से तो परमिशन नहीं थी। फिर हमारे सर टीचर थे वो घर पे आए, फिर हमारे बाबा से परमिशन ली उन्होंने बहुत मुश्किल से। माँ तो राजी नहीं थे, फिर भी बाबा ने परमिशन दे दी और उसमें पार्टिसिपेट किया और डांस शुरू हो गया और स्टेज कोलैप्स हो गया और बीच में ही डांस हमारा रुक गया और अनाउंसर ने नेक्स्ट अनाउंसमेंट की। तो मैंने कहा इसमें ये तो कंपटीशन है और उस वक्त तो उस उम्र में हार जीत का बहुत मायना रखता है ना, कि जीतने के लिए ही हम पार्टिसिपेट करते हैं। अब पता चलता है कि जीतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस ज़माने में तो मैंने उनको, ऑर्गेनाइजर को कहा कि तो मिस्टेक हमारी नहीं है, स्टेज बनाने वाली की, हमें फिर से अपॉर्चुनिटी मौका देना चाहिए। तो उन्होंने दिया और फर्स्ट नंबर प्राइज हमें मिला। खेल कूद में भी टेबल टेनिस, थ्रो बॉल, कबड्डी, खो खो। तो कबड्डी खेलते वक्त पता नहीं कभी ऐसे पैर सामने से खींचते हैं और हम ऐसे पीठ के बल गिरते हैं, तो कब स्पाइनल कॉर्ड इंजर हुआ कुछ पता नहीं चला। लेकिन 8th स्टैंडर्ड से, मतलब 7th स्टैंडर्ड के वो डांस के बाद मेरे पीठ में बहुत सीवियर पेन्स आने लगे। तो वो क्योंकि स्टेज कोलैप्स किया उसकी उस वक्त से शायद हुआ होगा, या कबड्डी खेलते वक्त, पता नहीं कभी हुआ। लेकिन उसके बाद में, और वो जो पेन है पीठ से शुरू होता था और पूरे बदन में फैल जाता था, तो 5-6 साल तक, मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर, प्री डिग्री उस जमाने में था, तब तक ये पेन से मैं लड़ती रही और कोल्हापुर के सभी डॉक्टर्स को बताया, एक्सरे में कुछ दिखाई नहीं देता था
और उस वक्त माइलोग्राम निकालना चाहिए किसी भी डॉक्टर के ध्यान में नहीं आया। और 5 साल तक मैं इससे जूझती रही और डॉक्टर को बताती थी कि कमर के नीचे नहाते वक्त मुझे ऊपर पानी गर्म लगता है, नीचे नहीं लगता है। चल सकती थी? हाँ चल सकती थी, खेल कूद जी हाँ। और खेल में मतलब पेन शुरू होने से डॉक्टर ने मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया, खेल कूद मेरे बंद हो गए। उस समय क्या उम्र थी आपकी? उसे 12 साल से शुरू हो गया, 12-11 साल से शुरू हो गया ये। और 16 साल की उम्र थी तब कमर के नीचे सेंसेशन चला गया। सेंसेशन जाने के बाद कोल्हापुर से मिरज मुझे ट्रांसफर किया गया। वहाँ पर अमेरिकन डॉक्टर डोनाल्डसन थे, उन्होंने माइलोग्राम निकाला तब पता चला कि रीढ़ की एक हड्डी दब गई थी और अंदर सिस्ट हो गया था और वो 5 साल तक वो डेवलप होता रहा। तो फिर ऑपरेशन किया उन्होंने, वो निकाला सिस्ट, वो हड्डी दबी हुई भी ठीक कर दी। लेकिन उन्होंने कहा कि सेंसेशन आना हो तो 6 वीक्स में आ जाएगा, 6 हफ्ते में अगर सेंसेशन नहीं आया तो ये लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी, फिर व्हीलचेयर पर से ही ज़िंदगी गुजारना है। और ये उन्होंने हमारे बाबा को कहा। बाबा इतनी शॉकिंग न्यूज़ हमें देने की हिम्मत नहीं कर पाए। तो एक दिन माँ तो दिन रात मेरा पैर कभी हिलता है देखते रहते, तो एक बार मेरे पैर का एक अंगूठा चादर में से ऐसे ऐसे हिला तो माँ इतने खुश हो गए, फौरन जाके ऐसे बिस्तर पर से चादर हटाई तो देखा चुंटियों ने मेरा पूरा नीचे का बदन, जब सेंसेशन नहीं था, ऐसे भर गया था चादर के नीचे। और ताकि पहले के ज़माने में सील होते थे वो ताकि डालते थे, हाँ उस पर वो वैसा चुंटियों ने मेरा। तो चीटियां कैसे आ गई? चीटियां बिस्तर पे, बताया ना मैंने, टॉयलेट का भी ना सेंसेशन था ना यूरिन का, यूरिन का तो कैथेटर लगाया हुआ था और बिस्तर पे ही फीडिंग करते थे। हाँ, तो कुछ एक दाना गिर गया होगा जैसे। हाँ। बिस्तर बहुत साफ रखते थे लेकिन फिर भी माँ ने वो देखा और इतना ये करके माँ तो ऐसे दहल गई और बाहर जाके बैठी, डॉक्टर साहब सिस्टर है सब साफ किया। और आपके जो भाई और बहन थे वो कैसे मदद करते थे आपकी? ये तब तो पढ़ाई कर रहे थे वो, और उसी में हमारे बाबा की ट्रांसफ़र हो गया औरंगाबाद कोल्हापुर से। और ये बोझ दिल पर का कि ऐसे लड़की को हम कैसे संभालेंगे, कैसे जी पाएगी ये। तो 6 हफ्ते में ही फर्स्ट हार्ट अटैक में ही उनका इंतकाल हो गया। मेरी बड़ी बहन थी रेहाना, उसने हमारे बाबा का इंतकाल का टेलीग्राम और उसको डॉक्टर होने के लिए मेडिकल के लिए का एडमिशन का टेलीग्राम एक ही दिन में आया था। तो उसने कॉलेज ही छोड़ दी, स्टेनोग्राफी सीकर स्टेनो बन गई हो, फिर सेंट्रल एक्स एंड कस्टम में हमारे वालिद थे तो वहीं पर उन्होंने सर्विस कर ली। जब मैं बीमार हो गई तो मुझे उठाना बिठाना, टॉयलेट पर बिठाना, स्पंज करना सब माँ और सब घर के वाले करते थे। और रेहाना खाना बनाती थी, सर्विस करती थी सब, और मेरे कपड़ों को इस्त्री करके रखती थी। हालांकि मैं घर से बाहर भी नहीं जाना था मुझे, तब मैंने उसको एक बार मजाक में कहा कि रेहाना देख अल्लाह मियां ने तुझे कितनी बड़ी सजा दी, तू मेरे कपड़े पहन के इस्त्री के जाती थी तो अभी तुझे मेरे कपड़े करना पड़ता है इतने सब काम करने के बावजूद। तब उसने हंस के कहा नसीम ये तेरी डिसेबिलिटी है, अगर शेयर कर सकते तो 2-3 महीने तू व्हीलचेयर पर बैठती या बिस्तर पर रहती, 2-3 महीने मैं बैठती, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है। उस समय ऐसा लगा कि मैं पूरे फैमिली पे एक बोझ बन गई हूँ कि मुझे हर चीज़ के लिए डिपेंडेंसी परावलंबन आ गया, कि मुझे करवट बदलना भी हो, खाना हो, प्यास लगी तो पानी पीना हो, नहलाना, डे टू डे जो होता है यूरिन मोशन, ये सब के लिए मुझे दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ने लगी। तो ऐसे में मेरे ख्याल से कोई भी जीना नहीं चाहेगा, ऐसे लग रहा था मुझे कि ये ज़िंदगी यहीं ख़त्म होनी चाहिए। और डिसेबिलिटी इतनी आ गई थी, परावलंबन इतना था कि ख़ुदकुशी करने की भी ताकत नहीं थी। घर वाले मुझे इतना प्यार करते हैं तो कभी कभी मैं घर वालों को कहती थी कि तुम्हें मुझे सच्चा प्यार हो तो इस ज़िंदगी ख़त्म करने में आप मेरी सहायता करेंगे। जो बिस्तर पे 24 घंटे सिर्फ ऊपर व्हीलचेयर भी नहीं थी तब तो, एक साल तक छत को देखते हुए एक एक पल गुजारना और रातों को नींद नहीं आती थी,
और खुद की बॉडी की बू, फिर पाउडर मारना, सेंट स्प्रे ये करना, इससे मतलब बाहर निकलने के लिए रेडियो लगा हुआ रहता था, बुक्स रहते थे, बुक पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। तो आप उस दौरान पढ़ती थी? पढ़ती थी, लेकिन दिल नहीं लगता था, लगता था कि बस ये जिंदगी खत्म हो जाए। लेकिन जब 6 महीने तक बाबा थे, तब बाबा ने एक बार बहुत बार मुझे समझाया कि तेरा ये रोना या आंसू बंद कर दे, तेरे वजह से पूरा घर रोता है, तेरे सामने नहीं रोता है लेकिन तेरे पीछे रोता है, तो ये रोने से अगर ये मुश्किलें ख़त्म होती तो हम सब मिलके इकट्ठा रो लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हिम्मत से इसका सामना करना चाहिए, इस पे से बाहर कैसे निकलें, खुशकिस्मत ज़िंदगी कैसे जिएं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा करें। अभी जब जहाँ जिस हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज किया गया, बड़े बड़े बेडसोर्स थे, ऐसे मतलब हथेली के इतने लंबे, इतने गहरे बेडसोर्स, यानी सो के जो जख्म होते हैं, जख्म हो जाते हैं, हाँ वो भी थे। तो ऐसे हालत में उन्होंने 2 सेंटर्स के नाम बताए कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर पैराप्लेजिक, वहाँ पर आपकी लड़की को आप भेज सकते हैं। तो हमारे माँ को भी और बाबा को भी ऐसा लगा कि हमारी बेटी के हम पर बोझ नहीं है, हम इसको कहीं भी उठाकर छोड़ आएंगे, लेकिन वो बताना चाहते थे कि वहाँ पर मुझे कुछ सिखाया जाएगा, ये ऐसे हालत में जिया कैसे जाता है। उसके बाद में तो 3 साल तक मैं स्थिति में थी। एक तो साल आपने वो शेयर किया अपने परिवार वालों से या खुद ही अपने अंदर उसे दबा ना, के कैसे शेयर करती ना, शेयर किया मतलब मैं उनको इतना ही कहती थी कि मुझसे अगर सच्ची मोहब्बत है, तुमको सच्चा प्यार है, तो मुझे जहर ला कर दीजिए, मैं ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती हूँ, मुझे जीना नहीं है, ना खुद पर बोझ बनना है, ना घर के फैमिली पर बोझ बनना है। हम कभी तेरा राज ना समझ पाएंगे, क्यों दिन होता है, क्यों रात होती है समझ ना पाएंगे, क्यों एक रास्ता बंद करके 1000 रास्ते खोल देता है समझ ना पाएंगे, क्यों रुलाता है, क्यों हंसाता है समझ ना पाएंगे। ब्रेक के पहले नसीमा दीदी ने बताया कि वे ऊपर वाले से दुआ करती थी कि मुझे उठा ले ताकि घर वालों को सुकून मिले, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा नहीं किया। तो क्या किया नसीमा दीदी, आप हमें खुद बताइए कि वो ऊपर वाले का प्लान क्या था। जब मैं ऐसे मायूस थी और ज़िंदगी नहीं चाहिए ऐसे दुआ कर रही थी, तब मेरे एक सहेली के चाचे थे जो खुद ब्लाइंड थे, और उनके पहचान के एक थे एनडी दीवान, बाबू काका नाम से उनको सब लोग जानते थे, लेकिन आर्मी में थे तब पैराप्लेजिक, बिल्कुल मेरे जैसी हालत में थे, और बेंगलोर के रेड क्रॉस होम में रहते थे, लेकिन उनको वहाँ की सिर्फ बिस्तर पे लेटे रह के सांस लेने की ज़िंदगी उनको भी गंवारा नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने रेड क्रॉस छोड़ दिया और वहाँ के ही और कुछ अपने साथियों को जो फिजिकल डिसेबल थे उनको साथ में लेके एसोसिएशन फॉर द फिजिकली हैंडीकैप नाम की एक संस्था शुरू की, और वो कोल्हापुर आए थे, तो उस वक्त उन्होंने मेरी मुलाकात चाची जी ने उनके घर में मुझसे करवाई और मुझे बुलाया वहाँ पर, तो मैं अपने व्हीलचेयर पे गई, तो उनसे पहले ही 5 मिनट तो मतलब मुझे उस वक्त तक कहने वाले सलाह देने वाले कई थे कि हंसते खेलते ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो, लेकिन कैसे गुजारो, और मैं जो रही थी, मैं जो महसूस कर रही थी वो महसूस नहीं करते थे, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि इनका कहने को क्या जाता है, जब अपने पर बीतती है तब पता चलता है, लेकिन बाबू काका ऐसे शख्स थे कि जो मेरे हालत में थे और इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो उनको मिलने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक थी। तो गई तो बाबू काका हैंड कंट्रोल कार, खुद कार चलाते हुए आए, खुद कार में से व्हीलचेयर पे बैठे और इतने हंसते हुए मेरे सामने आए कि मैं हैरान रह गई कि व्हीलचेयर पर बैठा हुआ आदमी इस तरह से हंसा सकता है, हंस सकता है। और उन्होंने मुझे पूछा कैसे हो, तो मैंने बोला बहुत ठीक हूँ, अच्छी हूँ, तो उसको ही उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, शायद उनके चेहरे की हंसी मेरे पर ट्रांसप्लांट हो गई। घंटा 2 घंटा उनसे बातचीत करते रही और बस मेरा वो टर्निंग पॉइंट लाइफ का जी कि व्हीलचेयर से कैसे जिया जा सकता है, जो अभी तक डॉक्टरों ने बताया नहीं था,
सब में बड़ा प्रॉब्लम था कि यूरिन मोशन सेंसेशन नहीं कंट्रोल नहीं, कैसे बाहर निकल सकते घर से। तो उन्होंने वो बताया मुझे कि किस तरह से इस पर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। और फिर एजुकेशन कितना ज़रूरी है, कॉलेज का फर्स्ट ईयर प्री डिग्री करके रुकने से तरक्की नहीं होगी, सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, एमए करो, पीएचडी करो। तो उन्होंने आपको प्रेरित किया, पढ़ाई को आप, लेकिन मैंने बताया मेरे ऐसे से प्रॉब्लम, तो मेरे भी यही प्रॉब्लम है, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, मैं सब सिखाऊंगा आपको। लेकिन और जब मैंने बोली, लेकिन मेरे में अभी चाह ही नहीं है, जिंदा रहना ही नहीं चाहती मैं, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, तो आप क्या समझते हैं कि मुझे कोई सर्विस देगा व्हील चेयर पर से? और नहीं देंगे तो आप देंगे बेंगलोर में? आपने कहा मतलब मैं अपनी काबिलियत करने के बाद, बताने के बाद मुझे मौका मिलेगा क्या? तो बोले ज़रूर मिलेगा, लेकिन मैंने सलाह दूंगा कि मेरे पास आ और वहाँ पर एक एम्प्लॉय बन के रहे। हाँ। मैं चाहूँगा कोल्हापुर में रहे और अपाहिजों की ज़िंदगी बना। तो आंखें खोल कर देख, तेरे से भी बदतर हालत में यहाँ के अपाहिज जी रहे हैं, यहाँ के विकलांगों को कोई सुविधा नहीं है, न ट्रीटमेंट की है, न एड एंड अप्लायंस मतलब अच्छे व्हील चेयर की है, ना एजुकेशन है, किस बुरी हालत में जी रहे हैं आंख खोल कर देखो, और आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करो सिर्फ अपनी पढ़ाई जारी रखकर। जिस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसी साल बाबू काका ने मुझे बेंगलोर बुलाया कि आगे क्या करना है वो देख ले मेरे पास आकर। और तब तक तो बाबू काका ने मुझे जीने की राह बता दी थी जी, कि मेरे लिए जीना नहीं है तो औरों के लिए जीना सीख जाओ। हाँ। उनके जो प्रॉब्लम्स है उनके दुख दर्द अपनाओ, तो अपने दुख दर्द का एहसास भी नहीं होता, और वैसे ही हुआ। तो आपको एक मकसद मिल मकसद गया, मिल गया। तो जब भी बेंगलोर जाने का वक्त आया तो मैं बोली मैं इतना लंबा सफ़र कैसे करूँगी, यूरिन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँगी? तो बोले तू अभी तक कैसे करती है, कैसे एक बार वहाँ पर आ जा, वहाँ पर आने के बाद मेरी जिम्मेदारी है। फिर मेरे भाई अजीज़ और मेरी छोटी आंटी खाला जी राहिला, ये दोनों ने बड़ी हिम्मत करके हम ट्रेन से ऑर्डिनरी इसमें से सफ़र करते हुए वहाँ तक गए। पहले ही दिन उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और फॉलिस कैथेटर फिट करवाया, मेरे कपड़े भीगना बंद हो गए, और मतलब मैं तो उसको जादू कहती हूँ कि बाहर निकलने को में जो संकोच था, जो हिचकिचाहट होती थी, हाँ जी, कि ये सब गीलापन देख के लोग क्या करेंगे, क्या नाक से कूड़ेंगे वगैरह, हाँ जी, तो सब बंद हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो यूरिन बैग कपड़ों के अंदर पैर को बंधी जाती है, उन्होंने अपना बताया कैसा, उनको देख के तो पता भी नहीं चलता था कि कैथेटर यूज़ कर रहे हैं, यूरिन बैग है पैर में, वो सब उन्होंने मुझे सिखाया। बाबू काका ने मुझे ऐसे वक्त में बुलाया कि उन्होंने हैंडीकैप के स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए थे बेंगलोर में, और फिर स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। एक दो इसमें एक शेरनाज किरमानी थी, वो फर्स्ट टाइम है, तो सब प्राइजेस मुझे मिले, टेबल टेनिस भी, हालांकि मैंने व्हीलचेयर पर से पहली बार बैट पकड़ी थी। तो आपने कौन कौन से खेल में प्रतियोगिता में भाग लिया वहाँ? व्हीलचेयर रेस में भाग लिया, और फिर जेवेलिन थ्रो, प्रेसिशन जेवेलिन, और फिर शॉर्ट पुट भी था, और टेबल टेनिस। 5 मेडल्स मिले मुझे, गोल्ड मेडल, गोल्ड नहीं, एक गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर थे और 3 ब्रांज, ऐसे कई मेडल्स मिले। और ये स्टेट लेवल के मतलब कर्नाटक स्टेट के स्पोर्ट्स थे। हाँ। और फिर बॉम्बे में नेशनल स्पोर्ट थे, उसके लिए मुझे इनवाइट किया गया, मतलब सिलेक्शन हो गया, और बॉम्बे में तो कमाल ही हो गया, हर इसका गोल्ड मेडल मुझे मिल गया, मैं चैम्पियन हो गई। और फिर लंदन, मतलब 2 ही स्पोर्ट्स में, मतलब स्पोर्ट्स फॉर हैंडीकैप में हिस्सा लिया, और नेशनल स्पोर्ट्स के लिए सिलेक्ट हो गई। हाँ। मतलब बाबू काका मिलने के बाद खुल जा सिमसिम हो गया मेरे लिए, कि सभी दरवाजे खुल गए आपके लिए। और मैं तो मतलब मेरे किस्मत पे मेरा भरोसा ही नहीं बैठ रहा था कि अभी मैं चलना, खड़े रहना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मैं भी उड़ने वाली हूँ। तो ये प्लान था, और मैं अकेली एक फिजियोथेरेपिस्ट एस्कॉर्ट के साथ लंदन गई। नसीमा दीदी, जब आप लंदन गई और आप उस मैदान में पहुंची, तो आपने बहुत सारे खिलाड़ियों को वहां देखा जो आपके जैसे थे, तो आपको उस समय कैसा लगा? वहाँ पर 48 कंट्रीज से पैराप्लेजिक्स आए हुए थे। हाँ। और वहाँ पर उनका जो जोश था, और मैं जाने से पहले कोल्हापुर में भी अपाहिजों को इकट्ठा करके
उनका ओकेशनल ट्रेनिंग का काम शुरू किया था मैंने, तो उनके चेहरे पर आँखों में मुझे डिसेबिलिटी दिखती थी और मैं बहुत बेचैन हो जाती थी। तो वहाँ पर किसी इतना जोश था उनमें कि इनको कोई डिसेबल कह ही नहीं सकते, नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। उनके व्हीलचेयर भगाने का स्टाइल और व्हीलचेयर पर से जब बास्केटबॉल खेल रहे थे वो मतलब मैं तो हैरान होके एक ही जगह बैठ के वो देखते रहती। एक सेकंड के अंदर वो व्हीलचेयर घुमा के बॉल पकड़ के ऊपर डालना, और तो मैं बस वहाँ पर बैठ के कंपेयर कर रही थी कि और कंट्रीज़ के हैंडीकैप किस तरह से जी रहे हैं और हमारे इंडिया के हैंडीकैप क्या है। और मतलब खेल कूद से ज़्यादा उस वक्त मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे पता था कि इनके काबिलियत में मैं, मेरा स्पोर्ट्स कहीं भी नहीं है, लेकिन जो मुझे वहाँ पर सीखने मिल रहा था तो उससे मैं बहुत खुश थी कि वापस जाकर हमारे बच्चों को, हमारे इंडिया के हैंडीकैप को इस तरह से हमें बनाना है, इतना चेयरफुल फैसिलिटीज देनी है उनमें, वो जज्बा बनाना है कि वो खुद को हैंडीकैप महसूस ना करें, नॉर्मल लोगों की तरह वो जिए। अब मैं बात करना चाहूंगी वो जो रेस जो आपने वहाँ पर व्हीलचेयर जो रेस थी, उसमें जो आपने हिस्सा लिया उस प्रतियोगिता में, तो वहाँ पर क्या हुआ? मैंने दूर जाकर व्हीलचेयर में हिस्सा लिया, विसल बजे उनके, हमारी रेस शुरू हो गई। और जरा सा दूर जाने के बाद मेरे व्हीलचेयर का एक पहिया, वो टायर सामने का निकल गया। तो क्या हुआ इसके बाद? क्या नसीमा दीदी रेस छोड़कर चली आई या किसी ने उनकी मदद की? ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिसने जिंदगी को जीता हो वो कभी कैसे हार सकती है, क्योंकि जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता उसके पास जीतने को पूरी दुनिया होती है। तो नसीमा दीदी बताइए कि रेस के दौरान क्या हुआ? रेस स्टार्ट होते ही जरा सा आगे जाने के बाद मेरे व्हीलचेयर का पहिया निकल गया और मुझे ऐसे लगा कि इतने सात समंदर पार आके मैं अभी रेस में हिस्सा नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मेरी तो रेस वहीं पर ख़त्म हो गई। फिर वॉलंटियर्स ने मुझे बाजू में लिया और फिर एक ओल्ड लेडी वहाँ पर, एक वहाँ की व्हीलचेयर, इम्पोर्टेड व्हीलचेयर लेकर आई मेरे पास और बताया कि आपकी व्हीलचेयर में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है आपको ये तोहफा मैं दे रही हूँ। व्हीलचेयर मिल गए और व्हीलचेयर पर से पहला मैंने रिम से मूवमेंट की तो मेरा वो टर्निंग, सेकंड टर्निंग पॉइंट था, मतलब बाबू काका को मिलना मेरा पहला जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था और दूसरा ये इतनी अच्छी बेहतरीन व्हीलचेयर, मतलब बेहतरीन व्हीलचेयर। और मैं चाहती हूँ कि हर हैंडीकैप को जो भी लाइफ लॉन्ग व्हीलचेयर यूज़ करने वाला हो उसको ऐसी ही व्हीलचेयर मिले कि जिस पर बैठ कर हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम अपाइज नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये पहिए हमारे ही हमारे पैर हैं। नसीमा दीदी उस खेल में तो हार गईं, लेकिन कुछ बहुत खास चीज जीत कर आई हैं। नसीमा दीदी आप प्लीज हमें बताइए वो खास चीज क्या जीत कर आई हैं आप? वो चीज थी कि विचार, सोच, हैंडीकैप रिहैबिलिटेशन के पुनर्वास के जो कल्पनाएं थी, तो हमने शुरू किया था कोल्हापुर में कि एडल्ट हैंडीकैप को लेके उन्हें रोजी रोटी दिला दे, वोकेशनल ट्रेनिंग दे। लेकिन मुझे पता चला कि अपने बच्चों को सही मायने में सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिस्पेक्टेड बनाना हो तो उनको बचपन से ही ये प्रोसेस शुरू करनी चाहिए। हमने पहले स्कूल के बच्चों का उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए कि जो ऑलरेडी एजुकेशन प्रोसेस में पहुँच चुके हैं, तो उनका मैंने किया, उनके ऑपरेशन करवाने फ्री में शुरू किए। आपको बताना चाहूँगी कि बाबू काका मुझे बहुत कम मिले, उनको मेरी मुलाकात हुई और उनको ब्लैडर कैंसर हुआ था तो 76 में उनकी डेथ हो गई। सबसे पहले हमने चाहा कि बाबू काका के जो सपने थे कोल्हापुर को लेके, उनके बर्थ प्लेस को लेके, वो उनके ज़िंदगी में उनको फुलफिल होते हुए बता दें। तो हमने 76 में हैंडीकैप स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए, उसमें पूरे देहात के भी और नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी बुलाया ताकि कोल्हापुर के हैंडीकैप देख सकें कि हैंडीकैप कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो उस स्पोर्ट्स में हमने एक भगवान पाटिल नाम का लड़का था जिसके दोनों हाथ नहीं थे और दोनों पैर नहीं थे, हाथ इतने से थे और घुटने से पैर भी नहीं थे, धड़ था हाँ,
और देहात में रहता था और वो स्पोर्ट्स में आया था और मछली की तरह तैरता था, स्विमिंग में हिस्सा लिया था उसने और सादी बाइसिकल चलाया उसने। वो तैरता था? तैरता था। उसने जिंदगी में पहली बार स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस लिया और फिर नेशनल स्पोर्ट्स में भी उसका भी सिलेक्शन हुआ, वो भी फॉरेन जाके आया और फिर उसको जिल्ला परिषद में प्यून की नौकरी मिली जी। ऐसे मतलब स्पोर्ट्स के थ्रू एक रास्ता खुल गया। तो ये जो हेल्पर्स ऑफ द हैंडीकैप कोल्हापुर संस्था जो आपने स्थापित की, वो किन लोगों के साथ मिलकर की? सात लोगों के साथ, सेवन। उसमें चार हम हैंडीकैप थे, एक मेरी सहेली रजनी करकरे पोलियो के स्क्रचेस लेके चलती थी और एक थी पोलियो के से कैलिपर्स लगा के चलती थी, BHMS किया था उसने, छाया देसाई जी। और फिर देश भ्रतर जो मतलब वहाँ से इंग्लैंड से आने के बाद भी संस्था बनाने में वक्त लगा, मतलब सोच तो लेकर आई लेकिन इम्प्लीमेंट करने में, तो तब तक मुझे सेंट्रल एक्साइज कस्टम में सर्विस मिली थी। तो मेरे सर्विस के साथ में मेरा एक काम चलते रहता था। तो आप सर्विस भी करती थी और साथ में एक काम संस्था का काम भी, तो हैंडीकैप मुझे बेनिफिशियर्स मिलने के लिए मुझे ऑफिस में भी आते थे। तो अब इन सारी चीजों को करने के लिए भी थोड़ा पैसा तो लगता ही है। हाँ, ये बहुत ही मतलब एक सरल सी बात है। तो उस समय फंड्स कहाँ से इकट्ठा होते थे, कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलता था क्या, कैसे? शुरू में हमने क्या किया, मैं तो घर से ही लेती थी और मेरी सर्विस लगने के बाद मेरा एक पैसा भी, अब तक भी कोई घर में मेरी दवाई के लिए भी भाई करते हैं, मेरा सब पैसा ये हैंडीकैप रिहैबिलिटेशन में ही लग जाता है। उस वक्त भी वही था लेकिन वो बस नहीं आता था, पुलिस डिपार्टमेंट ने हमको सहयोग दिया और उन्होंने आइडिया दी कि आपको डोनेशन मांगना अच्छा नहीं लगता है ना, अपने मेहनत की कमाई चाहते हैं तो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं। तो इसलिए हमको उस वक्त स्कूल के स्टूडेंट्स का सर्वे हो गया था और उनको व्हीलचेयर्स और ट्राइसिकल्स देने थे, तो वो पैसा हमने वो रस्ते पे खड़े होके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग व्हीकल्स को रुकाते थे, आधी लाइट को काली लगाते तो उसमें से काफी पैसा मिल गया हमें और पहले तीन ट्राइसिकल्स हमने उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किए। मतलब किसी के आगे हाथ फैला के हमें आगे बढ़ना नहीं, हमें मौका चाहिए। So you want trade and not aid. Correct. So इसके लिए जोरदार तालियां। फिर क्या हुआ बताइए। तो जब हमने देखा कि जो कैलिपर मिलते हैं वो अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं, हाँ जी, तो और वक्त पे भी नहीं मिलते, तो हमने सोचा कि हम ही क्यों नहीं शुरुआत किए। तो मेरे भाई का एक फ्लैट लिया हुआ था और वो हैकेट था, तो मैंने भाई को रिक्वेस्ट कर दी, बड़े भाई को, भाईजान कहते हैं यूसुफ भाईजान, हाँ जी, तो बोलिए हमको तू आने तक हमको इस्तेमाल करने दे, हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि हम कैलिपर बना सकते हैं क्या। फिर हमने दो हैंडीकैप को पुणे भेज कर ट्रेनिंग करके मंगवाया और फिर वहाँ पर शुरू किया कैलिपर्स बनाना। जब हमने सोचा कि बच्चों को ऑपरेशन करके कैलिपर्स देकर स्कूल तक भेजेंगे तो हमारा काम ख़त्म हो गया, हेल्पर्स ऑफ द हैंडीकैप, ऐसा मैंने सोचा था हम सब कमिटी ने, लेकिन वैसा हुआ नहीं। गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल में बच्चों को एडमिशन के लिए मैं खुद लेकर जाती थी, तो वहाँ पर दोनों हालत नहीं है, ऐसे एक बच्चा पैर से लिख रहा था, फिर भी वो सीवियर हैंडीकैप है इसलिए उसको एडमिशन रिजेक्ट किया गया और क्या बताऊँ, 14 साल के बाद में उनको घर भेज देते हैं। अभी देहात में रहने वाले 14 साल तक 7 स्टैंडर्ड तक सीखे हुए, कैसा रिहैबिलिटेशन होगा, कैसे सेल्फ सपोर्टेड बनेंगे वो। इसलिए हमने सबसे पहले सोचा कि हम हॉस्टल बना दें और फिर हमने गवर्नमेंट से 10 साल तक कोशिश करने के बाद 2 एकड़ लैंड मिलाई और 2 एकड़ लैंड पर जब फाउंडेशन भी डलवाया, एक ऑपरेशन के बाद चलने लगा हुआ धनगर समाज का एक लड़का था, उसके माँ बाप घूमते रहते हैं ना, तो वो बच्चे के हाथ से हमने फाउंडेशन डलवाया और जिस बच्चे को गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल में मोहम्मद नाम उसका एडमिशन रिफ्यूज किया गया, उसके पैर से हमारा फर्स्ट हॉस्टल का इनॉग्रेशन किया हमने। तो आप मुझे बताइए कितने बच्चे हैं अभी आपकी संस्था में जो पढ़ाई कर रहे हैं? 100 के करीब हैं, सेल्फ डिपेंडेंसी से रहते हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। और जब हॉस्टल में एडमिशन देने के बाद नॉर्मल स्कूल में हम इंटीग्रेशन चाहते हैं, हाँ जी, तो इसलिए हमने सोचा कि हम खुद स्कूल बनाएंगे जी। लेकिन बनाएंगे सिर्फ हैंडीकैप के लिए नहीं, इंटीग्रेटेड बनाएंगे और नॉर्मल बच्चों को हैंडीकैप के साथ में मतलब कैसे जीना है, उनको कैसे भाई बहनों जैसा रहना है। बच्चों में प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल बच्चों में नहीं है, टीचर्स में है, टीचर्स को
पता होना चाहिए कि ऐसे बच्चों के साथ में कैसे पेश आए या औरों को ट्रेनिंग दें। इस बारे में हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। ये बहुत दिलचस्प बात है कि इंटीग्रेटेड स्कूल आपने खोला है और वहाँ खुशी खुशी दोनों किस्म के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हम एक ऐसी स्त्री शक्ति को आमंत्रित करने जा रहे हैं जो हौसलों और हिम्मत की बेहतरीन मिसाल है, लेकिन उनसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। मैंने अपने दुखों से समझा है दुनिया का दुख समझना, अपनी लाचारी से महसूस किया है लाचारों का रोना, अपने आंसुओं से सीखा है दूसरों के आंसू पोंछना। हाँ, मुझे ऊपर वाले ने इसलिए जिंदा रखा है कि मैं पोंछ सकूं आंसू सबके, ले सकूं दुख दर्द सभी के। दोस्तों, जिनको दुनिया ने छोड़ दिया, जिनको समाज अपना हिस्सा नहीं मानता था, नसीमा दीदी ने उनको सहारा दिया। नसीमा दीदी ने उन सबको चलना सिखाया जो चल नहीं पाते थे, उनको नाचने को प्रेरित किया जो नाचने में सक्षम नहीं रहे। हम सलाम करते हैं नसीमा दीदी को और बुलाते हैं पुष्पा को। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं पुष्पा का। पुष्पा, शुरू से बताइए कि आपके साथ क्या हादसा हुआ। जी, मैं उस दिन रोज की तरह सुबह 6:30 बजे उठी और जब घर से निकली, मैं छोटी सी नौकरी करती थी और 10th के बाद तो जाना पड़ता था मुलुंड। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ, हाँ, तभी हमारी सारी फैमिली कल्याण में रहती थी, हाँ जी, तो बहुत उस दिन मैं लेट हो गई थी, इसलिए मैं फास्ट जा रही थी। तो ट्रेन छूटने वाली थी, इसलिए मैं दौड़ते ट्रेन पकड़ रही थी, तो मेरा हाथ, मतलब बारिश थी तो मेरा हाथ फिसल गया और मैं गिर गई। गिरने के बाद पैर को बहुत जोर से झटका लगा और ट्रेन पूरी पास हो गई और फिर मैं जब नीचे गिरी थी तो बहुत जोर की, मतलब लगी थी मुझे और बहुत सारा खून भी बह रहा था। तो वहाँ पर अगर, मतलब लोग थे, बहुत जमा हो गए भीड़, लेकिन वहाँ पर कोई, मतलब अगर जल्दी वहाँ पर कोई आ जाता और मुझे हॉस्पिटलाइज करता तो शायद मेरा पैर बच जाता। वहाँ पर सब लोग खड़े होकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है और कोई आगे नहीं आया जब तक पुलिस नहीं आई वहाँ पर। तो मैं तो बेहोश नहीं हुई थी, उस तरह आप बेहोश नहीं हुई थी मैं, क्योंकि आप देख रही थी कि लोग इर्द गिर्द आपके हैं, हाँ। लेकिन किसी ने मदद नहीं करी आपकी? नहीं मदद की। और कितने समय तक मदद नहीं करी? जब तक पुलिस नहीं आई वहाँ पर। पुलिस आई, रेलवे स्टेशन पे कुली रहते हैं, उनको बुलाया और फिर वो कुलियों ने मुझे उठाया और फिर वहाँ का अस्पताल था गवर्नमेंट कल्याण का, तो वहाँ पर मुझे फिर लेके गए। फिर मम्मी पापा को फोन किया, तो डॉक्टर ने उस वक्त तो कहा कि पैर ठीक हो जाएगा, लेकिन कम से कम 7 सर्जरी हुआ, मेरा ऑपरेशन 7 बार हुआ वहाँ पर। मैं कम से कम 9 महीने एडमिट थी, लेकिन मेरा पैर ठीक नहीं हुआ और फिर काट दिया। पुष्पा, जब पहली बार आप गई संस्था में और नसीमा दी से मिली, तो आपको कैसा लगा वहाँ जाकर? जी, वहाँ पर इनको जब मैंने व्हीलचेयर पे देखा तो मुझे पता चला कि ये चल नहीं सकते, ही व्हीलचेयर के सहारे सब करते हैं। फिर हॉस्टल में जब मैंने देखा कि कई सारे बच्चे जो मुझसे छोटे हैं या फिर मुझसे बड़े हैं और वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर रह रहे हैं, जिन जो मुझसे भी ज़्यादा है अपाइज, वो मतलब अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तभी मेरे को थोड़ा, मतलब बहुत, मतलब थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ और इनके साथ में रह सकती हूँ। मुझे ये भी पता चला कि फिर आपकी शादी हो गई, हाँ, वहीं पर, हाँ जी, वहीं कोल्हापुर में, हाँ जी। तो इस शादी का भी जरिया दीदी ही थी या? हाँ जी, हेल्पर्स था। हेल्पर्स था। तो आप बताओगे कैसी हुई पुष्पा की शादी? डांस में उसका इंटरेस्ट है देखकर, हमारा हम होंगे कामयाब में इसका डांस के लिए उसको कोल्हापुर फिर शिफ्ट कर दिया। और फिर एक गार्डनर जो था हमारा, और उसको हमने ही, उसको एबल बॉडीड नॉर्मल था, हाँ जी, हाँ, और उसको ड्राइविंग सिखा कर बस ड्राइवर, और उसी एरिया में रहने वाला था, हाँ जी। फिर उससे आगे का जो है वो हेल्पर्स का नहीं है, इनका है, पुष्पा का है, लव मैरिज। लव मैरिज, हाउ स्वीट। हमने सिर्फ सपोर्ट किया, उसको हौसला दिया कि जरूर कर, क्योंकि दिल में डर होता है ना कि हैंडीकैप नॉर्मल से शादी करते वक्त लाइफ लॉन्ग ये साथ देंगे या नहीं, तो बोला आजमाना।
अब ये जो लव स्टोरी है ये तो आपको पता है, एंड आई एम श्योर वो लव स्टोरी दिख रही है बिकॉज जो रौनक आपके चेहरे पर है, 9 साल का बालक भी है इनका। और मैं आपके पति विनोद कामले जी को सलाम करती हूँ जो उन्होंने पुष्पा का हाथ थामा, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। लेकिन एक छोटा सा सरप्राइज है जो आपको वहाँ पर देखकर पता चलेगा क्या है। पुष्पा एक अच्छी है और उसका डांस देख के मेरे को अच्छा लगता है, और जब दोनों घूमने जाते हैं तो हम दोनों को मोटरसाइकिल पर बैठ के वो अच्छा लगता है बाहर जाने का, घूमने का उसको भी अच्छा लगता है। जब वो किधर भी डांस करने जाती है तो वहाँ पे उसका जो उसका नाम ले जाता है, उसके बाद मेरा भी नाम लिया जाता है। मुझे ज़्यादा गर्व होता है तो उसके वजह से मैं हूँ। यानी इतना भी शादी को मेरे 10 साल हो गए, ऐसा कुछ मेरे को ऐसा नहीं लगा कि एबल में जो बात है उसमें जो नहीं है, सब कुछ वो अच्छी तरह सब कुछ हैंडल करती है वो। दोस्तों अगर आपके पास सारी सुविधाएं हैं तब आपने कुछ किया तो क्या किया? अगर आपने बाधाओं को पार नहीं किया तो जीवन क्या जिया? हमारी नायिका तो बाधाओं को चुनौती देने वाली पुष्पा जैसी लड़कियां हैं। नसीमा दीदी ने विकलांग व्यक्तियों में जो आत्मविश्वास भरा है, पुष्पा उसकी मिसाल है। लेकिन हम एक नहीं बल्कि ढेर सारे आत्मविश्वास से ओत प्रोत लोगों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मुझ में विश्वास है, मैं कर सकती हूँ, मुश्किल राहों से लड़ सकती हूँ, जीता है मैंने खुद को, जीवन की लय को जी सकती हूँ। दोस्तों नसीमा दीदी के कार्यों के बारे में आगे बताते हुए हम हेल्पर्स ऑफ द हैंडीकैप कोल्हापुर संस्था में आपको ले चलते हैं। अपंगों के मेडिकल एड, उनकी एजुकेशन, उनका वोकेशनल ट्रेनिंग, उनके एम्प्लॉयमेंट, हर एक चीज के ऊपर जो है अपंगों के अंदर आत्मविश्वास जगाना, उनको हर एक तरह से सक्षम करना, कामयाब करना, ये एक संस्था का मकसद पिछले 30 सालों से हम लोग कर रहे हैं। पहले सब कहते थे ये नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें मुझे पता चला कि बहुत कुछ हो सकता है। जो रेंगते होते बच्चे हो तो उनको चलना सिखाते हैं, उनको कोई एड्स अप्लायंसेस चाहिए तो वो संस्था की तरफ से देके उनको चलना सिखाते हैं। यहाँ से मैं पढ़ने के बाद जब बाहर गया, अभी मेरा M.Com में पढ़ रहा हूँ और साथ ही बच्चों को 1st से 10th तक क्लासेस लेता हूँ। काम के दौरान हम ये नहीं देखते कि हम दोनों बहनें हैं, उस वक्त स्ट्रिक्टली वो मेरी बॉस हैं और मैं उसकी एक स्टाफ हूँ। यहाँ हम लोग सब अपाहिज लोगों को जो कृत्रिम साधन लगते हैं जैसे कि कैलिपर, क्रचेस, कमोड, 3 पहिए की साइकिल, ये सब हम लोग यहाँ बनाते हैं, और ये जो बनाने वाले कर्मचारी है वो सब खुद अपाहिज हैं। 1995 में मेरा रेल एक्सीडेंट दोनों पर चले गए, तब भी मैं यहाँ आया, 13 दिन सीखा और अपना काम ट्रेनिंग का काम करने लगा। यहाँ पे जो हैंडीकैप बच्चे आते हैं उनका आत्मविश्वास पहले कम होता है, लेकिन जब उनको ठीक से सब सुविधा मिलने लगती है तो उनका जो अंतरंग है वो निखर कर बाहर आता है। आज 4-5 हज़ार से ज़्यादा ही बच्चों को उन्होंने अपने खुद के पैरों पे खड़ा किया है। मेरे लाइफ में नसीमा दीदी एक एंजल की तरह है, क्योंकि वो अगर नहीं आती तो मेरी लाइफ ही नहीं बनती। नसीमा दीदी ने हमें प्रेरित किया कि तुम शादी करो, नॉर्मल लोगों की तरह आप भी जी सकते हैं। हम दोनों हैंडीकैप है पर कौन सा काम बताओ हम करते हैं। नसीमा दीदी स्त्री शक्ति की एक मिसाल है और हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। मैं अपना काम खुद से करती हूँ, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। नसीमा जी अब आप हमें बताइए कि आपके रिहैबिलिटेशन सेंटर में और क्या क्या होता है। सेल्फ डिपेंडेंसी ये हमारा मोटो है, तो वहाँ पर हम हैंडीकैप को हर चीज़ सिखाते हैं कि अपना कोई पार्ट बॉडी का काम न करता हो तो भी जो कुछ है मौजूद उसके ज़रिए हम कैसे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं खुद व्हीलचेयर पे बैठ के
पकाने से लेके रूम की सफाई, बिस्तर कैसे बनाना, और जिनके हाथ नहीं है उनको उन्होंने पैर से दांत ब्रश कैसे करना, बाल कंघी कैसे करना। कितने लोग आपकी संस्था में जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं? अभी रेसिडेंशियल 250 हैं। थोड़ों की है, उनके लिए स्टाफ क्वार्टर्स हैंडीकैप फ्रेंडली बनाया है, वहाँ पर रहते हैं वो। वैसे स्टूडेंट्स एकेडमिक एजुकेशन का सेंटर, हॉस्टल और स्कूल 10th तक केजी से लेकर, ये कोल्हापुर के करीब 8 किलोमीटर पर उसगांव में है जी। और ओकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो एडन अप्लायंसेस का है वो कोल्हापुर में सिटी में कॉरपोरेशन से किराए पे जगह लिए उसमें है, कदमवाड़ी में। और सिंधुदुर्ग में जो है वो वहाँ पर ओकेशनल ट्रेनिंग सीमेंट ब्लॉक कैशू प्रोसेसिंग, नट्स बनाते हैं ना, काजू वो, उसमें 100-125 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है हमने। दोस्तों अब बारी है हमारे आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, नसीमा दीदी ने किस संस्था की स्थापना की? आप अपने जवाब, सुझाव और कहानियाँ हमें दूरदर्शन के इस पते पर भेजें, डीडी नेशनल रूम नंबर 305 थर्ड फ्लोर टावर ए कोपरनिकस मार्ग न्यू दिल्ली। हमारे पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब है फूल बसंत बाई, छत्तीसगढ़ राज्य से है, और हमारी विजेता है नेहा पटियाला, पंजाब से। दोस्तों हमारे एक बहुत ही खास मेहमान को नसीमा दीदी से मिलने की इच्छा है। अब वो मेहमान कौन है नसीमा दीदी, वो एक सस्पेंस है। और वो सस्पेंस को मतलब ऐसे पकड़ कर बैठना है आपको, क्योंकि वो सस्पेंस खुलेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिसने हर कदम पर साथ दिया, जिसकी मुस्कान ने हौसला बढ़ाया, जिसकी बातों ने तकलीफें खत्म कर दी, उस खास मेहमान रेहाना दीदी का हम स्वागत करते हैं। सरप्राइज तो बहुत ही मतलब सोचा भी नहीं मैंने। आप सोच रहे थे ना अब तक किसको बुलाएंगे, क्योंकि कभी ऐसे जगह पे आती नहीं है। अभी आपको कैसा लग रहा है रेहाना दीदी? बस बड़ी खुशी हो रही है, जिस नसीम की जो मेहनत है ये है, उसकी आप लोग इतनी कदर कर रहे हैं तो ये देख के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जब आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, हमें दीदी ने बताया, और क्योंकि आप चाहती थी कि सेवा करें आप नसीमा दीदी की, तो उस वक्त ये भाव कैसे आया आपके अंदर, बिकॉज आप भी पढ़ना चाहती थी आगे? हाँ मैं भी पढ़ना चाहती थी, बस उस टाइम ये था कि मतलब नसीम फुल ऑफ लाइफ थी, स्पोर्ट्स में हमारे आगे रहती थी, पढ़ाई में रहती थी, और उसकी मायूसी नहीं देखी जाती थी हम लोगों को, तो लगता था कि भाई उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सबको थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं उसमें हिस्सा लेना है, तो मैं बस मेरे हिस्से का काम कर रही हूँ। नहीं सैक्रिफाइस इसमें कोई भी नहीं आया बहनों का, नहीं वो सैक्रिफाइस नहीं हुआ, बाद में तो मैंने अपना एजुकेशन भी कम्प्लीट कर लिया। और मैं एक बात बताऊँ, शायद नसीम ने नहीं बताई आपको, एक बार इतना हम लोग आपस में मस्ती कर रहे थे तो मैं ज़रा थोड़ी टॉम्बॉयश थी तो मैंने उसे गिरा दिया पलंग पे, शी फेल डाउन, जैसे पलंग पे से आधी गिर गई है। तो मे बी दैट वो एक उसका ये है कि उसको चोट स्पाइनल कॉर्ड पर, वो भी एक वजह हो सकती है। बेकार में गिल्टी फील करती है, इसलिए मैं तो कभी दिमाग में रखती नहीं, नहीं, हो गया था बचपन में, एक वाकया हो गया था ये। आपको ऐसा लगता है कि ये भी एक कारण हो सकता है टू सम एक्सटेंट? थैंक यू सो मच दीदी, लेकिन एक और सरप्राइज है, बिकॉज हमें सरप्राइजेस देना बहुत अच्छा लगता है स्त्री शक्ति में। नाचता मन है पैर नहीं, एक बार मन से नाच कर तो देखो, नाचती है धरती नाचता है अंबर, एक बार ताल मिलाकर तो देखो, ना तुम्हें पैर याद रहेगा ना हाथ, नाचती है तरंगे जो मन में उठती हैं, नाचती हैं धड़कने जो सीने में धड़कती हैं, एक बार धड़कनों की ताल पे नाच के तो देखो, तुम्हें ना पैर याद रहेगा ना हाथ। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। ग
गिरधर की मुरलिया बाजे रे, पग में घूंघर बांध के आ तो दोस्तों, मुसीबतों के माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली नसीमा दीदी को हम सलाम करते हैं और मैं श्रुति उल्फत स्त्री शक्ति के इस मंच से आपसे इजाजत चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते। चमकत जैसे दामनी चंचल प्यारी छप लागे रे मधुबन में राधिका नाचे रे गिरधर की मुरलिया बाजे रे मधुबन में राधिका नाचे रे। Sare sa gare maga pama da pani da sani da sare sani da pama pa sani sare sani da pama pa gama da pa gama de sa madhuban me radhika naache re madhuban me radhika ho the nadir dil tani ta dare dim dim talana जहाँ जन्म हुआ वो बिहार का एक छोटा सा कस्बा है चतुर्भुज स्थान। उसमें जो हिस्से बटे हैं उसमें लालटेन पट्टी ओपन सेक्स वर्कर के नाम से जाना जाता है, मतलब वहाँ डायरेक्ट सेक्स वर्क की बात होती है। हमारे इलाके में क्या है कि आपको कर्ज कोई भी दे देगा अगर आपके पास जवान बेटी है तो, लेकिन तब तक नहीं देगा जब तक आपकी बेटी प्रोफेशन में नहीं आए।